आज पंचायत सचिव के लोगों पर जिस प्रकार से लाठी चार्ज हुआ है, पुलिस की गाड़ी से उनको उठा करके जमीन में फेंका गया है, यह लोकतंत्र की हत्या है। जैसा कि आप सब कोई जानते हैं कि आज झारखंड विधानसभा में झारखंड की सरकार ने बजट को पेश किया है। बजट के बात हम कहेंगे, पूरी बातों को रखने का हम प्रयास करेंगे, लेकिन उसके पहले झारखंड सरकार के चेहरे भी आज उजागर हुए हैं। हम सब कोई जानते हैं कि आज पंचायत सचिव के लोगों पर जिस प्रकार से लाठी चार्ज हुआ है, पुलिस की गाड़ी से उनको उठा करके जमीन में फेंका गया है, यह लोकतंत्र की हत्या है। अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है और हम कह सकते हैं कि यह सरकार जन विरोधी सरकार है। अपनी हक और हुकूक की लड़ाई जो लड़ना चाहते हैं, अपनी अधिकारों की रक्षा करना चाहते हैं, ये सरकार उन अधिकारों के लिए लड़ने वालों के खिलाफ अत्याचार और अनाचार कर रही है। एक और घटना का मैं उल्लेख करना चाहूँगा। हम सबको जानते हैं कि मोरहाबादी मैदान में विगत 1 महीना पहले, 2 महीना, 1.5 महीना पहले 2 क्रिमिनल्स के गैंग वार में घटना घटी थी। वहां के दुकानदारों के दुकानों को बंद कर दिया गया था राज्य की सरकार के। जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए काम करते थे, अपने परिवारों का पालन पोषण करते थे, लेकिन ये राज्य की सरकार उन सभी दुकानदारों के दुकान को बंद करके लोगों को बेरोजगार किया। लोग उस दुकानदार लोग आज बड़ी भीषण परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थिति में जी रहे हैं। और कल श्यामदेव नाम का एक दुकानदार जो जूस बेचता था, जो अपने बच्चे की पढ़ाई उसी के माध्यम से करता था, 2 बेटे थे 10वां और 12वां में, 12th, वो आर्थिक स्थिति से इतनी जर्जर हो चुका था, वो अपने परिवार के पालन पोषण करने में सफल नहीं हो रहा था, क्योंकि उसकी दुकान और उसके रोजगार को छीनने का काम राज्य की सरकार ने किया था और उसने आत्महत्या किया। और आत्महत्या किया तो मैं मानता हूं कि राज्य सरकार उसके लिए दोषी है। और मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि उन सभी अन्य जो दुकानदार संघर्ष कर रहे हैं जीने के लिए, उन्हें उसी स्थान पर जहां दुकानदार दुकान लगाते थे, वहां पर उनको दुकान लगाने की अनुमति दे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।